जो ध्यान दो, अभी हम लोग लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट्स। ये सबसे पहले तुमको क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पता चलना चाहिए। अब इसको कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, सबसे पहले सम्स लेते हैं, जहां जहां पे कॉन्सेप्ट आएगा वहां पे मैं तुमको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान देना ड्यू डेट्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले सम क्या दिया हुआ यहाँ पे, डेट ऑफ अ बिल। कितना दिया डेट ऑफ अ बिल, 28 जैन, मतलब इस दिन पे बिल क्या गया है, बनाया गया है, डेट है उस पर लिख दी गई है। और पीरियड ऑफ अ बिल, पीरियड ऑफ अ बिल ये कितने टाइम के लिए, एक महीने के लिए, तो वन मंथ उसमें ऐड करो। देखो यहाँ पे बनाया गया कितना है, वन मंथ ऐड कर दो, कितना मिला 28 फेब मिला ना, क्लियर है, 28 फेब 2008। अब तीन दिन क्या ऐड करना है, ग्रेस पीरियड, तो लीगल ड्यू डेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लीगल ड्यू डेट। तो चलो करके देखते क्या होता है। 28 फेब तक पहुँचे, तीन दिन ऐड करो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसके आगे से फर्स्ट सेकेंड थर्ड। लेकिन तुमको एक चीज़ चेक करना है, जब भी फेब हो देखना है कि लीप ईयर है कि नहीं। लीप ईयर क्या होता है वो तो पता ना, उसके अंदर कितने डेज होते हैं, 28। लीप ईयर में कितने होते हैं, लीप ईयर में कितने होते हैं, 29, पक्का, हाँ 366, एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना। अब मेरे को बात करो, तो काउंट कैसे करोगे फिर, नॉर्मली डेज कितने होते हैं, 28। किसी का है बर्थडे आता है 29 को, मेरा सबका आता है, तो डिवाइड बाय 4 करोगे। पहली बात तो ईयर कैसे पता चलेगा लीप ईयर है कि नहीं, डिवाइड बाय 4, तो उसका अगर आंसर डेसिमल में आता है तो लीप ईयर नहीं है, डेसिमल में आता है तो लीप ईयर नहीं है, तुम्हारा एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। तो 2008 कौन सा है, लीप ईयर है, तो कितना डेज पकड़ोगे, तीन दिन कहाँ से ऐड करोगे, फर्स्ट से ऐड करोगे कि 29 से ऐड करोगे, 29 से ना, 29 फर्स्ट सेकेंड, समझा ये चीज़ क्लियर है। तो तीन दिन कहाँ से ऐड किया तुमने, 29 और 2nd मार्च, ये तुम्हारा क्या बन गया, लीगल ड्यू डेट, क्या बन गया, लीगल ड्यू डेट। तो ये फर्स्ट केस तुम्हारा क्लियर है। अब सेकंड देखते क्या है, 31 जैन कब हो रहा है, ये 31 जैन, उसके अंदर कितना पीरियड ऑफ अ बिल, ये भी कितना, 1 मंथ, तो कितना हो गया तुम्हारा, 28 हो गया ले, और 2010, तो 2008 लीप ईयर, तो अगला ईयर कौन सा होगा, 2012 होगा ना, बराबर है। तो इसको तो कैसा, डायरेक्टली फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड क्या तुम्हारा, लीगल ड्यू डेट, दैट इज 3rd मार्च का, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखो ऊपर एक चीज़ दी हुई है, क्वेश्चन पढ़ते एग्जाम्पल, चलो वो जाने दो, देखते पहले जस्ट एक एग्जाम्पल, अगर जैसे दिया हो, इफ द बिल ड्यू डेट फॉल ऑन 7th जुलाई, दिस डे इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर एमरजेंसी हॉलीडे। क्या बोला गया है, एमरजेंसी, जब भी एमरजेंसी है ना तो तुम अगला दिन पकड़ोगे, जब भी एमरजेंसी अचानक से ना डिक्लेयर किया गया ना हॉलीडे, बराबर है। अभी कौन सा चालू है, वायरस चालू है, कौन सा, कोरोना वायरस, तो अभी इमरजेंसी हॉलीडे, चाइना में हॉलीडे मतलब क्या, पूरा बंद ही है, लॉकडाउन हो चुका है ना, कोई बाहर आ सकता है, काम वगैरह सब बंद है, तो अभी ये सब तुम क्या बिल्स के टाइम प्लान कर सकते हो क्या, नहीं ना, तो भाई वो बाद में, तो कौन सा दिन पकड़ोगे तुम, अगला दिन। और अगर नेशनल हॉलीडे है वो तो पहले से ही पता है ना, तो उसके एक दिन पहले, एमरजेंसी में एक दिन बाद में और उसके पहले, नेशनल हॉलीडे पे एक दिन पहले, तो वही लॉजिक स्टार्ट करते हैं, अभी आगे बढ़ेंगे, आगे आएगा तब पता चलेगा। 13 जून, कितना दिन बोला है, 13 जून। अब नंबर ऑफ मंथ नहीं दिया, नंबर ऑफ डेज, तो तुम डेज के हिसाब से आगे बढ़ोगे, ये तो आता ना करने को, तो 60 डेज ऐड करोगे तुम लोग, तो 31 जुलाई, 17 जून, 31 जुलाई, और कौन सा है तुम्हारा, 12th अगस्त, तो तुम कहाँ पे पहुँच चुके हो, 12th अगस्त तक पहुँच चुके हो, बराबर है। तीन दिन ऐड करो, 13, 14, 15 अगस्त को शायद छुट्टी वाला दिन है, कौन सा, इंडिपेंडेंस है, रिपब्लिक, पक्का, तो दिन कौन सा पकड़ोगे, एक दिन पहले ना, ये नेशनल हॉलीडे पहले से ही पता है, तो क्या हो जाएगा, 14th अगस्त, क्लियर। अब एक और देख लेते नेक्स्ट, थर्ड वाला, 23rd अक्टूबर, तीन मंथ ऐड करना है, नवंबर, दिसंबर, जैन, बराबर है, 23 तक पहुंच चुके हैं, 24, 25, 26, एक मिनट, कौन सा आंसर है, 26 जैन आया, पर 26 क्या है, वापस से नेशनल हॉलीडे, एक दिन पहले, एमरजेंसी है तो आगे, हाँ ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं ऐसा, और सम्स में तो आएगा ही आएगा डेट्स लिखने के टाइम पे। अब देखो आगे नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट वाला, 5th है ना, पहले 5th, 1st मार्च, मार्च के बाद 2 महीने ना, कौन सा, अप्रैल, मई, 2nd 3rd 4th, 2nd 3rd 4th ना, ये रहा 4th, कुछ नहीं है 4th को, तुम्हारा बर्थडे होगा तो वो नेशनल हॉलीडे नहीं है, वैसा काम करना अच्छा फिर नेशनल हॉलीडे तो बनेगा, पर तुम एंजॉय नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट 6th, हाँ बराबर है, 30 जून, 4 मंथ ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 10th तक पहुँचे, उसका आंसर 3 करोगे कितना होगा, अक्टूबर में 31st है ना,
31st ये तो आता ना देखने, 31st, 1st, 2nd, अगर यहाँ पे बोला इफ डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, अगर अगर डिक्लेयर्ड इमरजेंसी तो उसका अगला दिन, क्लियर है? तो इस तरीके से ड्यू डेट्स कैलकुलेट करने हैं हमको इसके अंदर। और एक चीज़ है इसके अंदर आफ्टर, याद है वो वाला था ना, तो वो वाला चीज़ देख लेते लास्ट और उसके अंदर ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर ज़्यादा नहीं, चार ही सम्स। चलो ध्यान दो, आफ्टर डेट है ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आफ्टर डेट है ना तो कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसे तुम नॉर्मल करते आ रहे हो वैसे ही करना है। तो देखो 5/1/2010, 5/1/2010 ये हो गया डेट ऑफ अ बिल, पीरियड ऑफ अ बिल कितना है 3 मंथ्स, तो यहाँ पे प्लस 3 करके कहाँ पे पहुँच गए तुम लोग, 1st January था ना, प्लस 3 तो अप्रैल में पहुँच चुके हो, और आफ्टर है ना तो उस दिन को इंक्लूड नहीं करना, अगले दिन से, दैट इज कौन सा 6/7/8, तो आ गया यहाँ पे लीगल ड्यू डेट, दैट इज 8/4/2010। अब जैसे दिया हुआ 12/3/2010, अभी डेज में दिया हुआ है, एग्जैक्टली वही है, मंथ नहीं है, डेज के हिसाब से कैलकुलेट करोगे, दैट इज 19 डेज मार्च का, और क्या लोगे 26 डेज अप्रैल का, तो 45 डेज तुम्हारे खत्म हो गए, तो तुम पहुंच चुके हो 26 अप्रैल पे, आफ्टर है ना 27, 28, 29, क्लियर हुआ? अभी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज आफ्टर साइट, क्वेश्चन में दिया हुआ है आफ्टर साइट, तब तुमको दो चीज़ पे ध्यान रखना है, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, प्रेजेंटेशन अलग है एक्सेप्टेंस अलग है। इसके पहले देखो कुछ फर्क पड़ा, प्रेजेंटेशन कब किया है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस फर्स्ट में कुछ डिफरेंस, कुछ फर्क पड़ा? तुमने क्या किया था, सोचा भी नहीं था, आँख बंद करके हाँ नॉमिनल ड्यू डेट प्लस 3 डेज कर दिया। अब यहाँ पे देखो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों सेम है, फिर भी कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं। लेकिन जब भी आफ्टर साइट लिखा होगा तब फर्क पड़ेगा, तब देखो क्या करना है, नीचे नोट है, इन केस ऑफ बिल पेएबल आफ्टर साइट द पीरियड ऑफ अ बिल शुड बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल विच एवर इज अर्लियर, मतलब जो अर्ली आया है ना वो डेज तुम पकड़ लोगे। तो ये कब देखना है तुमको, ओनली वेन आफ्टर साइट गिवन। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, 15/5 ना, पहले तो नॉमिनल ड्यू डेट ढूंढ लो, 5 है तो 6/7/8 बराबर है, तुम 15/8 तक पहुँच चुके हो, ये तुम्हारा नॉमिनल ड्यू डेट हो गया, क्लियर? अब विच एवर इज अर्लियर, सेम डे ना डेट ऑफ प्रेजेंटेशन है और उसी दिन एक्सेप्ट कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये नॉर्मल आफ्टर की तरह हो गया ना, आफ्टर क्या बोलते हैं, आफ्टर डेट की तरह हो गया ना बिल, तो 3 दिन ऐड कर दो वापस से, कहाँ से 15, 16, 17, 18, तो ये 18 अगस्त, क्लियर? ये पक्का? और एक बार बताओ, पक्का ना? फोर्थ वाला तो फोर्थ वाला तो करना ही, ये वाला बताओ कि नहीं बताओ, सेम डे है ना तो नॉर्मल वाला। अब जरा देखो 29 और 30, तो उससे पहले क्या करते हैं, 2 मंथ ऐड करते हैं, 27 है ना, क्या है 27, तो सबसे पहले तो पहुंच जाओ, 2 मंथ्स ऐड करोगे तो कहाँ पे पहुंचोगे 27, 10, लेकिन तुमको स्टार्ट डेट कौन सा पकड़ना है, जरा देखो 29 पकड़ना है कि 30 पकड़ना है, विच एवर इज अर्लियर ना, 29 पकड़ोगे, तो 29 पकड़ोगे तो तुम लोग देखो यहाँ पे 29, 10 किया तुमने, स्टार्टिंग में देखो डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ही चेंज हो गया तुम्हारा, नहीं तो तुम क्या लेते थे डायरेक्टली, यही लेते थे ना डेट ऑफ अ बिल लेते थे, विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ अ बिल तुमको लेना नहीं है, क्या लेना है आफ्टर साइड बोले तो विच एवर इज अर्लियर, अगर ये कुछ होता तुमको लेना देना ही नहीं था, कौन सा होता आफ्टर डेट होता तो डायरेक्टली डेट ऑफ अ बिल से तुम काम चला लेते, क्लियर है? या तो डेट ऑफ अ प्रेजेंटेशन, वही तुम्हारा नॉर्मली डेट ऑफ वही होता है। तो अब यहाँ पे कौन सा दिन लोगे तुम लोग, 29, 10 से लोगे ना, दैट इज 31st होता है 10 में, 30, 31st, 1st, 3 दिन आगे से ही, 29 है ना तुम्हारा, वो बिल क्या हो गया, डेट ऑफ अ बिल चेंज हो गया ना यहाँ पे, डेट ऑफ अ प्रेजेंटेशन हो गया, तो वो चीज़ हो गया, कैसे पता चला, विच एवर इज अर्लियर, और ये कब देखना है तुमको, ओनली ऑन आफ्टर साइट तभी देखना है, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्या है कंप्लीट किए गए हैं, क्लियर? इसके अब तक हम लोगों ने 2 टॉपिक रिवाइज किए, कौन सा डिसॉल्यूशन बिल्स, इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, एनपीओ चालू करेंगे, बराबर है, एनपीओ फाइनल अकाउंट्स फिर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, क्लियर?